रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुक करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। गुलाम नबी आजाद ने बनाई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, बोले हमारी किसी से कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं। राजस्थान कांग्रेस विधायकों के शक्ति प्रदर्शन में आलाकमान नाराज, नए फॉर्मूले पर कर रहा काम। टीएमसी नेता मदन मिश्रा ने बीजेपी नेताओं का कर दिया तर्पण, भाजपा ने कसा तंज, कहा उन्होंने हमें अपने दादा और पिता के रूप में स्वीकारा। सितंबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, दो जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मोहन भागवत बोले भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू धर्म बदलने की किसी को जरूरत नहीं। मुंबई के विले पार्ले में भरभरा कर गिरी सात झुग्गियां, हादसे में कोई घायल नहीं। मुकुल रोहतगी ने ऑटर्नी जनरल बनने से किया इनकार, केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। तमिलनाडु में एनआईए और ईडी की छापेमारी के विरोध में ताबड़तोड़ कब पर 19 गिरफ्तार, पुलिस ने कहा रासुका लगाया जाएगा। पेयजल आपूर्ति में संग्रहित वर्षा जल को प्राथमिकता, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले आपूर्ति की निरंतरता है लक्ष्य। कर्नाटक में दलित युवक का जबरन धर्मांतरण, बीफ खाने को मजबूर किया, 12 के खिलाफ मामला दर्ज। तमिलनाडु में आरएसएस कार्यकर्ताओं के घर फेंकी कोरोसिन भरी बोतल, पीएफआई और एसडीपीआई के 6 लोग पुलिस के हिरासत में। तिरुपति में एक अस्पताल में भीषण आग, डॉक्टर उसके दो बच्चों की मौत, हादसे के समय नींद में था परिवार। मुख्यमंत्री शर्मा और सतगुरु के खिलाफ शिकायत, वन्य जीव संरक्षण कानून का उल्लंघन करने का आरोप। केजरीवाल बोले आप सरकार आने में समृद्ध होगा गुजरात का हर बच्चा, भाजपा कांग्रेस पर निशाना। गोवा के राज्यपाल ने की प्रधानमंत्री की तारीफ, बोले मोदी को नेता के रूप में स्वीकार कर रही दुनिया। लखनऊ के इटौजा में बड़ा हादसा, ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी, 4 की मौत, कई घायल। सीतापुर में कार और बुलेट सवार दबंगों का हमला, फायरिंग में गोवंश की मौत, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गाजियाबाद में मंडोला समेत 6 गांवों के किसानों ने की पंचायत, किसानों पर हो रहे अत्याचार पर दशहरे पर केंद्र। चंदौली में प्रधान के बेटों की करतूत उजागर, महिला पंचायत सहायक के साथ की गंदी हरकत, एसपी को पीड़िता ने सुनाई अपनी आपबीती।
वाराणसी में फ्रांसीसी युवती के साथ बदसलूकी, बोली एक शख्स ने बियर में शराब मिलाकर पिला दी, आंख खुली तो बेड पर। संत कबीर नगर में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, नवरात्र के पहले दिन सुबह से लगी लंबी कतारें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर पलटी वैगनार, चार की मौत, हरिद्वार जा रही थी कार रोडवेज बस से टकरा कर पलटी। लखीमपुर खीरी में कच्ची दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत, बारिश के कारण भरभराकर गिरी दीवार, तीन घायल। फतेहपुर में नहर में मिला युवक का शव, सात दिन से चौथा शव मिला, पुलिस शिनाख्त करने में जुटी। बदायूं में हार्डवेयर की दुकान में लाखों की चोरी, इन्वर्टर सामान ले गए चोर, सोता रहा चौकीदार। संभल में नवरात्र में देवी मंदिर में भक्तों की भीड़, सिद्धिपीठ चामुंडा देवी मंदिर को फूलों से सजाया गया। अलीगढ़ के अतरौली में नाले में गिरकर युवक की मौत, अंधेरे में फिसलने से गिरा युवक, गांव में तलाशता रहा परिवार। झांसी में ससुराल से लौटे युवक ने लगाई फांसी, चार साल पहले हुई थी शादी, पत्नी के मायके से नहीं आने पर था आहत। बुलंदशहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज की मनमानी, तंग आकर तीन छात्रों ने किया आत्महत्या का प्रयास, एक की गई जान। पीलीभीत में जलभराव का जायजा लेने पहुंचे विधायक, कई गांवों में घरों के अंदर घुसा पानी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गेट पर छात्रों ने बंद किया ताला, पूर्व डीआईजी अमिताभ ठाकुर पहुंचे, काफी संख्या में छात्राएं धरने पर शामिल। आगरा में अग्निवीर भर्ती में पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी, ओवरएज होने की वजह से दोस्त की मार्कशीट पर जाली आधार कार्ड और दस्तावेज तैयार किए। हमीरपुर में मनरेगा सहित विकास कार्यों में धांधली, कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सोनभद्र में लापता युवक मिला, घर वालों ने पैसे ऐंठने के लिए गढ़ी अपहरण की कहानी, परिजनों से बोला था झूठ। भदोही में युवक को दबंगों ने जमीन पर गिराकर मारी लाते, चार युवकों ने दिखाई गुंडई, वीडियो बनाते रहे लोग। कुशीनगर में एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत अभियान होगा शुरू, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा करेंगे शुभारंभ। प्रेमी युगल की हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार, खुर्जा में शादी के बाद परिजनों से बताया जान का खतरा, कोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश। बिजनौर में दो दिन से गायब शिक्षक का मिला शव, रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ पड़ा था, आदर्श ग्रामीण इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। मेरठ में 20 सड़क पर मारधाड़, गंगा नगर थाने के पास 20 सड़क पर मारपीट, पहले थप्पड़ फिर डंडे।
लखनऊ में गोल्फ क्लब को लेकर भिड़े अफसर, पूर्व डीजीपी जावेद अहमद बने कार्यकारी अध्यक्ष, सुभाष चंद्रा सचिव। मंगला आरती के साथ विंध्याचल में नवरात्रि मेला शुरू, घंटा की ध्वनि और भक्तों के जयकारे से गूंजा माता विंध्यवासिनी का धाम। बेस्ट यूपी में पीएफआई का नेटवर्क, खंगाल रही जांच एजेंसी, शादाब कासमी और मुफ्ती शहजाद के करीबी घर छोड़कर फरार। शाहजहांपुर में देर रात भाजपा नेताओं ने लगाया जाम, जिस रोड पर थे ताजिए उसी रोड से भाजपा नेता निकलने की कर रहे थे जिद। बलरामपुर में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया 500 ग्राम मादक पदार्थ, 16 से अधिक मामले में है विचाराधीन। इंसाफ के लिए फिर भड़का जनाक्रोश, मां की तबियत बिगड़ी, स्वजनों से मिले पूर्व सीएम हरीश रावत। प्रदीप टमटा ने सरकार पर किया वार, कहा हथियारों को बचाना चाह रही सरकार, आखिर अंकिता के कमरे पर किसके आदेश पर चला बुलडोजर। सीएम पुष्कर सिंह धामी, धार्मिक अतिक्रमण और जनसंख्या बदलाव पर सख्त, बाहरी लोगों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्तियां पद रद्द होने से कांग्रेस में बढ़ सकता है अंतद्वंद, अपनी ही सरकारों के कार्यालय पर साधा निशाना। राहुल और प्रियंका गांधी ने सरकार को लिया निशाने पर, कहा उत्तराखंड की घटना ने दिल दहला दिया। पहाड़ों में फिर होगी आफत की बारिश, देहरादून में आज सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर 6 घंटे बद्रीनाथ हाईवे जाम, अधिकारियों के साथ 3 दौरे की वार्ता कर रही विफल। उत्तराखंड में होम स्टे में महिला कर्मियों की सुरक्षा को बनेगी नियमावली, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिए निर्देश। मशरूम गर्ल दिव्या रावत और उसके भाई ने 77 लाख ठगे, जिम व रेस्टोरेंट का सामान दिलाने के नाम पर छात्रों ने की ठगी। अंकिता हत्याकांड के बाद प्रशासन ने गंगा भोगपुर में 5 रिजॉर्ट पर की कार्रवाई, रिजॉर्ट पहले से हो चुका सेल। अंकिता हत्याकांड पर बोले सीएम धामी, संकल्प लिया है कि दोषियों को सजा दिलाएंगे, जांच में किसी भी बिंदु को नहीं छोड़ा जाएगा। उत्तराखंड में 35 घंटे बाद खुला चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, 39 ग्रामीण सड़कें अब भी बंद। उत्तराखंड में फ्रॉड से हल्द्वानी के किसान के नाम पर ठेका लेने वाला शराब कारोबारी होगा भगौड़ा घोषित, कुर्क की जाएगी संपत्ति। उत्तराखंड में तेज बारिश से जगह जगह दरके पहाड़, मसूरी चक्राता हाईवे बंद, रास्ते में फंसी बारात। देवभूमि में माता रानी के साधना पर्व की धूम, फूलों के भव सजे मंदिर, भक्तों में रमे श्रद्धालु। पाक मंत्री का लंदन में विरोध, मरियम औरंगजेब पर फूटा पाकिस्तानियों का गुस्सा, चोरनी चोरनी के नारे लगाए।
बलूचिस्तान में पाक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, दो पायलट समेत अफसर की मौत, दो महीने में दूसरी घटना। शी जिनपिंग 5 साल और संभालेंगे सत्ता की कमान, 16 अक्टूबर को धूमधाम के साथ करेंगे कार्यक्रम। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने दिया इस्तीफा, अब इशाक डार संभालेंगे जिम्मेदारी। फवाद चौधरी ने उठाए पाक में साइबर सुरक्षा पर सवाल, बोले पीएम हाउस का डेटा डार्क वेब पर बेचने को रखा। भारत बोला यूएस पाक रिश्ते से किसी का भला नहीं हुआ, F-16 पैकेज देने पर जयशंकर ने कहा सफाई देकर किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। बांग्लादेश में नाव डूबने से 24 की मौत, 30 लापता, महालया उत्सव मनाने मंदिर जा रहे थे, अधिकांश लोग 100 यात्री सवार थे। नॉर्थ कोरिया ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया, यूएस वाइस प्रेसिडेंट की साउथ कोरिया विजिट से पहले दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। ईरान में महसा की मौत के बाद सड़कों पर उतरे लोग, विरोध प्रदर्शन में अब तक 41 की मौत। एग्जिट पोल में जॉर्जिया मेलोन के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत, इटली को मिल सकती है पहली महिला प्रधानमंत्री। रुपए का नया रिकॉर्ड, डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो, 81.66 पर उतरा, इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पढ़ना महंगा। तो 2022 की बेस्ट एयरलाइंस में कतर एयरवेज टॉप पर, महामारी में लगातार 30 डेस्टिनेशन पर फ्लाइट्स उड़ाई। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा लुढ़का, हर्षा इंजीनियर्स 34.55%। सोना हुआ महंगा, चांदी में आई गिरावट, 1000 रुपए से ज्यादा सस्ती होकर चांदी 55,000 पर आई। त्योहारी सीजन में 10% से ज्यादा बढ़ेगी दोपहिया बिक्री, इस साल 1 से 1.15 लाख ज्यादा टू व्हीलर बिकने का अनुमान। रायसेन कलेक्टर के पशु हाट बाजारों पर आदेश, पशु मेला और बाजारों पर लगाया प्रतिबंध। हीरो की टू व्हीलर्स हो गई महंगी, फेस्टिवल सीजन से पहले 1000 तक बढ़ाई कीमतें, 51,450 की है हीरो की सबसे सस्ती बाइक। टाटा पंच कैमो एडिशन लॉन्च, 8 वेरिएंट में ओवरवेल है एसयूवी, कीमत 6.85 लाख से 8.63 लाख तक। एबीजी सीपीआर के चेयरमैन गिरफ्तार, ऋषि अग्रवाल पर 22.842 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज को निकाला, चेयरमैन ऋषद प्रेमजी बोले मून लाइटिंग को परमिशन नहीं, वर्कर्स ने कंपनी को धोखे में रखा। बुखार के बीच शूर कुमार ने खेली 69 रन की पारी, डॉक्टर से कहा गोली दो चाहे इंजेक्शन लगाओ। इंडिया की वुमेन क्रिकेट ने की मॉकडिंग, दीप्ति ने रन आउट किया तो रोते हुए गई इंग्लिश बैटर।
पांड्या ने एक बार फिर दिखाया कॉन्फिडेंस। मैच जीतने से पहले डीके को इशारे में कहा मैं हूं ना। कोहली ने शानदार बल्लेबाजी पर किया खुलासा, कहा मैंने बस अपने अनुभव का थोड़ा सा इस्तेमाल किया। यशवी जायसवाल की हरकत से परेशान हुआ विरोधी बैटर, तो कप्तान रहाणे ने लिया एक्शन, मैदान से किया बाहर। नौ साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज जीती, तीसरे टी20 मैच में 6 विकेट से हराया। लीजेंड्स लीग क्रिकेट में इंडिया कैपिटल्स की दूसरी जीत, गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हराकर टॉप पर पहुंची। रौफ की खतरनाक बाउंसर से बाल बाल बचे बुक, हेलमेट के अंदर घुसी बॉल, अगली ही गेंद पर जमाया चौका। जीत के जश्न में झूम उठे विराट और रोहित, ड्रेसिंग रूम में सीढ़ियों पर दिखाया हाई जोश। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ कहर बनकर भरपे कुलदीप यादव, हैट्रिक लेकर कीपी बल्लेबाजी के उड़ाए होश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को बेल, वकील के कपड़ों में अदालत पहुंची ताकि कोई पहचान न सके, अब सुनवाई 22 अक्टूबर को। तुषार कालिया बने खतरों के खिलाड़ी, 12 के विनर, ग्रैंड फिनाले में जीते 20 लाख रुपए के साथ एक ब्रांड न्यू कार। वेकेशन मनाने मालदीव पहुंची हिना खान, फैंस के साथ शेयर की झलक, रेड ड्रेस में खूबसूरत नजर आई। अयोध्या में होगा फिल्म आदि पुरुष का टीजर लॉन्च, फेमस फिल्म क्रिटिक मनोबल विजय बालन ने किया कंफर्म। साउथ के गाने पर कैटरीना कैफ की मस्ती, मालम पिता पिता गाने पर स्कूल स्टूडेंट्स के साथ किया डांस। काजल अग्रवाल ने जमकर की तलवारबाजी, इंडियन 2 के लिए कर रही कड़ी मेहनत, 4 महीने पहले बनी मां। बिग बॉस 16 में मेगैम्बो बने सलमान खान, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, सलमान का ये अवतार देख फैंस हुए एक्साइटेड। हीरोपंती 2 के फ्लॉप होने पर टाइगर श्रॉफ का रिएक्शन, बोले रिलीज से पहले बड़ा मजा आया लेकिन बाद में उम्मीदों पर पानी फिर गया। राम सेतु का टीजर हुआ लॉन्च, सफेद दाढ़ी और लंबे बालों में नजर आया अक्षय कुमार, 25 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। ब्रह्मास्त्र के डायलॉग ट्रोल होने पर अयान ने किया रिएक्ट, बोले अगले पार्ट को बेहतर डायलॉग और अच्छी कहानी के साथ लेकर आएंगे। प्राइम शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।